दोस्तों बॉलीवुड से एक बहुत ही दुख भरी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, एक्टर इरफान खान के निधन की खबर अभी उभरी भी नहीं थी कि बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। दोस्तों बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर की आत्मा की शांति के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हम आपको नई नई इन्फॉर्मेशन पहुँचाते रहें। दोस्तों अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर पर ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी। बिग बी ने ट्वीट करते हुए लिखा, वो चले गए, ऋषि कपूर चले गए, मैं ख़त्म हो गया हूँ। दोस्तों बताया जा रहा है कि बुधवार को ऋषि कपूर की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, जिसके कारण ऋषि कपूर को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उनका इलाज मुंबई के HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में चला। उनके भाई रणधीर कपूर ने इस खबर को कन्फर्म किया था कि ऋषि कपूर की तबीयत ठीक नहीं है। इसी हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांस ली। ऋषि कपूर को सांस लेने में दिक्कत थी। ऋषि कपूर पिछले साल सितंबर में ही न्यूयॉर्क में लगभग एक साल से कैंसर का इलाज करवाने के बाद भारत लौटे थे। उन्हें साल 2018 में पता चला था कि वो कैंसर से पीड़ित हैं। इसके बाद वो अपने इलाज के लिए न्यूयॉर्क गए। उनके आखिरी वक्त में उनकी पत्नी नीतू कपूर उनके साथ ही थी। वहीं उनकी बेटी रिद्धिमा कपूर ने सरकार से दिल्ली से मुंबई तक की यात्रा की इजाज़त मांगी है, मगर लॉकडाउन की वजह से वह वहीं फंसी रह गई। आपको बता दें कि ऋषि कपूर ने बॉबी फिल्म के जरिए एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। ऋषि कपूर ने अपने फिल्मी कैरियर में कई शानदार फिल्में दी। ऋषि कपूर के बेटे रणवीर कपूर का इस वक्त रो रो कर बहुत बुरा हाल है। वैसे दोस्तों क्या आपको भी ऋषि कपूर के जाने का दुख है? आप हमें कमेंट बॉक्स में येस और नो लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को भी दबा दें। धन्यवाद।